और इसलिए अच्छा ये जो विदेशी ये वॉलमार्ट और केयरफोर और टेस्को है वो भी बड़े लॉबिंग करते हैं, ऐसा थोड़ा ही ना होता है फायदे के बिना। मुझे बताओ यार, कांग्रेस के राज में राशन कार्ड अगर मुफ्त में नहीं मिलता तो ये वॉलमार्ट वगैरह को एंट्री मुफ्त में थोड़ी दी होगी। कांग्रेस का एक सिंपल राशन कार्ड अगर बिना पैसे का नहीं मिलता तो इन्होंने इतना बड़ा निर्णय बिना पैसे का थोड़ा ही किया होगा। तो इसमें भी लॉबिंग है, इसमें भी पैसा है, इसमें भी भ्रष्टाचार है। अनुभव क्या है? अब लोगों ने कहा कि भाई ऑर्गेनाइज रिटेल आ गया, तब भी हमने कुछ लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन हमने तब कहा था कि भाई देश का ही निवेश है, नए मॉल्स बनेंगे। 10 साल के बाद आज ये हुआ है कि 5% बड़ा रिटेल व्यापार है और 95% आज भी छोटा व्यापार है, क्योंकि छोटा व्यापारी 6 बजे खुलता है, 11 बजे बंद रहता है। अमेरिका में स्टोर्स होते हैं 7-11, तो 7-11 ही 7 बजे खुलता है, 11 बजे बंद होता है। यहाँ तो 6 बजे खुलता है, 11 बजे बंद होता है। कभी कभी बाद में भी दरवाजा खोल के कभी देना पड़ता है तो दे सकते हैं, वही रहते हैं। और ये जो देते हैं, अच्छा क्रेडिट भी देते हैं, घर भी पहुंचा देते हैं। अब तो मोबाइल आ गया, मैं परसों किसी के घर गया था, वो तो मोबाइल से फोन करे, अरे भाई जरा 4 चाय भेजो ये भी बताया, और दूसरे को बताया जरा ब्रेड भेजो, तीसरे को बताया ये भेजो, सब आ गया। तो ये भारत की विशेषता है, ये तो कर नहीं सकती है। लेकिन अपने को तकलीफ क्या देंगी ये बताने की जरूरत है, क्योंकि रंगराजन है प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार, वो जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक काउंसिल है उसके मुखिया है रंगराजन जी, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। तो रंगराजन जी ने ये कहा है कि ये जब 25% हो जाएंगे ऑर्गेनाइज रिटेल, तब खुदरा व्यापारियों पर बहुत बुरा परिणाम होगा। तो आज तो 5% हो गए, यानी जैसे अभिजय जी ने कहा पहले साल तो नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे जो होगा वो बुरा परिणाम होगा और बहुत लोग बेरोजगार होंगे। एक आंकड़ा सबको बताना है कि अगर एक आदमी को रोजगार वॉलमार्ट देगा तो 4 व्यापारी बेरोजगार होंगे, ये पकड़ के चलो 1 से 4। एक अगर रोजगार मिलता है तो 4 रोजगार चले जाते हैं, ये इनका काम है। और ये क्या करते हैं? आज कह रहे हैं कि 57 शहरों में आप क्यों चिंता करते हो, ये 57 शहरों में नहीं रहने वाला है। यह सरकार झूठ बता रही है कि राज्यों का अधिकार होगा कि अपने राज्य में आने देना है या नहीं, ये गलत, क्योंकि हमने बायलैटरल ट्रीटीज 82 देशों के साथ की है। वी हैव एंटर्ड इन टू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज विथ 82 कंट्रीज, और उनके साथ जो की है और WTO की रेजिम है, उसके नियम है, उसके तहत एक बार विदेशी निवेश को आपने परमिशन देने के बाद देश के निवेशी और विदेशी निवेश में आप फर्क नहीं कर सकते। तो ये फर्क आप कर नहीं पाओगे और ये बदलेगा आपका रूप। तो स्टेट्स रोकेंगे, रोक सकते हैं, आपको नहीं चाहिए तो मत लो, ये जो कहना है ये छलावा है, ये सही नहीं है। ये तो जाएंगे और इसलिए स्टेट्स को अधिकार वो नहीं रहेगा। केरल ने एक बार ऐसा किया था कि हमने रोक दिया, बोले कॉरपोरेट रिटेलर्स आए थे, उनको बोले हमने नहीं परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा कोर्ट के हायर हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने कहा कि आप दो निवेश में फर्क नहीं कर सकते हैं, और इसलिए उनको परमिशन देना पड़ा, दिया। और आज कह रहे कि 10 लाख के आबादी वाले क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन ये 57 शहर जो बोल रहे हैं ना, उसमें भारत का 25% खुदरा व्यापार इन्हीं 57 शहरों में सीमित है, क्योंकि वहां दूसरे भी लोग आते हैं ना, आसपास के 50 किलोमीटर के लोग भी आते हैं और वो लेते हैं, यही तो बड़े मार्केट्स हैं। और आज वो 57 की बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये 570 जगह हो जाएंगे और फिर 5700 जगह हो जाएंगे, इसको कोई देर नहीं लगती। अच्छा ये मत समझिए कि वॉलमार्ट जो अमेरिका में हम देखते हैं कि 10 एकड़ का विशाल भूमि होगी, 5 एकड़ जमीन में वो पूरा स्टोर होगा और 5 एकड़ का पार्किंग होगा, ऐसे वॉलमार्ट बहुत कम बनेंगे, नहीं बनेंगे।
अब उन्होंने नई स्ट्रेटेजी की है कि जैसे ये रिलायंस फ्रेश वगैरह जहां मोर और वो बाकी सब स्पेंसर वगैरह खुले हैं ना, ऐसे ही छोटे छोटे दुकान वो खोलेंगे, 5,000 स्क्वायर फुट के, 10,000 स्क्वायर फुट के, जैसे अभी हमारे यहाँ मॉल है वैसे ही होंगे। लेकिन फर्क क्या है फिर, इस मॉल से हमारा नहीं बिगड़ा क्योंकि ये देश का था, ये देश से ही माल लेते थे, अब ये दुनिया से लाएंगे जहां से सस्ता मिल रहा है, और दुनिया से लाकर यहां जितने ज्यादा दाम में बेच सकते हैं उतना बेचेंगे, ये उनका धंधा है। किसी ने कहा उससे ज्यादा दाम मिलेगा किसान को, आज साबित हो गया कि वॉलमार्ट के पूरे चेन में 30% किसान को मिलता है और 70% उनके खर्चे होते हैं, और ग्राहक को 100 रुपये में मिलेगा और 30 रुपये ही किसान को मिलेगा। आज जो भारत में स्थिति है वो उल्टी है, अमूल मॉडल जो है, तो अमूल ने यह सिद्ध कर दिया कि किसान को 70% मिलता है और बीच में केवल 30% लगता है और ग्राहक को 100 रुपये में मिल रहा है। तो इसलिए ये सही नहीं है कि ये बहुत सस्ते में देंगे और किसान का बहुत फायदा करेंगे, ये भी सही नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ, यह साउथ अफ्रीका में, अभी मैं दक्षिण अफ्रीका में था तो वहाँ मास स्मार्ट करके जैसे अपना बिग बाजार वगैरह है वैसे थे। तो अब ये भी जो आएंगे ना, पहले वॉलमार्ट वगैरह या टेस्को, वो तो बिग बाजार के साथ टाइप करेंगे, वो बिग बाजार को ही पहले बिग बाजार करके रखेंगे और उसी बिग बाजार का शेयर होल्डिंग बदल गया तो जिस राज्य में अभी जिन शहरों में बिग बाजार काम कर रहा है वहां से कैसे आप हटाओगे, उसको नहीं हटा सकते। और इसलिए ये होता है, समझ लो ये बुलावट है। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया, ये मासमार्ट को वहां भी एक ऐसी कंडीशन थी कि 30% लोकल मार्केट से खरीदना चाहिए, लेकिन इन्होंने मासमार्ट को कब्जे में लिया और बाद में आर्बिट्रेशन में गए और ट्रिब्यूनल में जाने के बाद ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया कि WTO के रूल्स है कि ऐसी आप कंडीशन नहीं डाल सकते हैं, वो कहीं से भी खरीदेंगे तो दुनिया से जहां से सस्ता मिलेगा वहां खरीदेंगे। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अफेक्ट होगा, वहां भी बेरोजगारी पैदा होगी, बहुत छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे और बहुत छोटे दुकानदार भी उड़ जाएंगे, और एक के बदले में चार के बदले में एक को नौकरी मिलेगी। तो ये सारा है। अरे ये कहते हैं कि ये तो किसान का बहुत भला करेंगे और पीछे बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज वगैरह खोलेंगे। आपको पता नहीं है फलों का जो नाश होता है वो अभी लेटेस्ट सर्वे आया है, 10-12% फल खलास हो जाते हैं, रहते नहीं अच्छे, मार्केट में पहुंचने के पहले समाप्त होते हैं। तो ये जो है उसका बचाने के लिए 10 साल पहले अपनी सरकार थी तब हमने 100% FDI अलाउ किया था कि कोल्ड स्टोरेज बांधना है बांधो, फूड प्रोसेसिंग करना है, फ्रूट का जूस निकालना है, फ्रूट का जैम बनाना है, फ्रूट का जो भी कुछ करना है करो, उसके लिए 100% FDI को परमिशन हमने दी थी। जी हमने अपने क्षेत्र में 60 कोल्ड स्टोरेज खोले। नहीं वही मैं बता रहा हूँ, एक तो अटल जी ने देश में कोल्ड स्टोरेज तैयार हो इसलिए यहाँ सहूलत दी, उससे बने। लेकिन जो विदेशी निवेश को हमने परमिशन दिया था तो लोग कह रहे थे कि इससे $25 बिलियन आएंगे, ₹1,25,000 करोड़ आएंगे, लेकिन 1,25,000 करोड़ भी नहीं आए। ये कहानी है उस समय की। तो 10 साल में जो कल्पना थी कि FDI बहुत आएगी वो नहीं आई। तो ये कोई कोल्ड स्टोर, देखो एक साफ बात है, छोटी बात, देखो वॉलमार्ट हो, टेस्को हो, मेट्रो हो, वो कोई यहां धर्म का कार्य करने के लिए नहीं आ रहे, चैरिटी के लिए नहीं आ रहे, वो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए आ रहे, आपको लूटने के लिए आ रहे। तो ये सीधी बात है। और इसलिए ये सब तरीके का, अच्छा वहां जो काम करते हैं ना, जैसे कहा कि आपके बेटी बच्चों को, क्योंकि उनको अनुभव है दुकान का, तो वो सेल्स गर्ल और सेल्स बॉयज हो जाएंगे, टाई पहना देंगे उनको, टाई भी पहनेंगे लेकिन इतना काम कराएंगे और वो यूनियन करने की कोशिश करेंगे। तो वॉलमार्ट पर आज 1200 केसेस है क्योंकि उन्होंने यूनियन अगर करने का प्रयास किया तो बहुत प्रताड़ना करते हैं और होने नहीं देते कुछ किसी को। 12-12, 14-14 घंटे उनसे काम कराएंगे, उनको चूस लेंगे और जैसे विजय जी ने कहा थोड़ा शुरुआत में तनख्वाह ज़्यादा देंगे लेकिन मालिक का नौकर बना देंगे। तो ये सब होने वाला है। और इसलिए ये जो भी आज कहते हैं कि ये फायदा होगा, ये बिल्कुल गलत है।
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है, एकदम आखिरी आर पार की लड़ाई की नारा दिया है कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको हम विरोध करेंगे और विरोध करके इसको भगाएंगे, न आने देंगे फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये कहने हम जा रहे हैं। और हमने कहा है रोल बैक और गो बैक। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर इस संदेश को छोटे छोटे पैम्पलेट लेकर घरों घरों में बांटकर, हर दुकानदार को बांटकर, उनके हर जगह रैली लेकर पहले तैयारी करके फिर एक दिन सड़क जाम करोगे, ये किसने कहा है कि व्यापारी गिरफ्तार होने से डरता है? वो भी एक नई ताकत अपने को दिखानी पड़ेगी कि कोई नहीं, आंदोलन करेंगे, सारे व्यापार बंद भी करेंगे, वहां भी आएंगे। ऐसे चार झटके अगर उनको मिलते हैं देश भर से, तो इनकी ये सरकार भी जाती है, ये निर्णय भी जाएगा। हमने कमिट किया है कि ये निर्णय हम कदापि नहीं। अच्छा, वो कहते हैं कि पहले आप तो कह रहे थे, अरे हमने नहीं, ये एक गलत फहमी है कि बीजेपी पहले कहती थी, नहीं कहा था। जब अटल जी के सामने विषय आया, एक अधिकारी ने नोट तैयार की थी कि भाई खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को परमिशन देना चाहिए कि नहीं, तो उसको डिपार्टमेंट से घूमती गई। जब अटल जी के सामने विषय आया तो अटल जी ने कहा, सबका सुना और कहा कि जिसमें व्यापारियों को और देश के व्यापार को अहित है, और इसमें कुछ नया नहीं है कि जो यहाँ से नया कुछ आएगा, तो इसको मैं मान्यता नहीं देता हूँ। हमने उसको ठंडे बक्से में डाल दिया, खारिज कर दिया। ये गलत प्रचार आज कर रहे कि बीजेपी वाले पहले हाथ थे, नहीं थे। और इसलिए हमारी भूमिका शुरू से कायम है, बल्कि कांग्रेस की बदली है। और दो पत्र, हम एक किताब निकाल रहे हैं, वो आपके पास भी पहुंचेगी, वो दिखाओ। मनमोहन सिंह खुद और उनके जो मुख्य पार्टी के सचेतक थे व्हिप प्रिय रंजन दास मुंशी, उन्होंने पूछा और लिखा व्यापारी संगठनों को कि एफडीआई में रिटेल घातक है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे, और सरकार ने भी माना है कि वो नहीं लाएगी। ये पत्र उस समय मनमोहन सिंह जी ने लिखा जो प्रतिपक्षी नेता थे राज्यसभा में। तो ये भूमिका बदली है कांग्रेस ने, भाजपा ने नहीं। ये भी बताने की जरूरत है, लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ेंगे और जीतेंगे, इसी भरोसे के साथ मैं आपको विदाई लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच पर विराजमान सभी मान्यवर और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे प्रमुख कार्यकर्ता भाई और बहनों, जो व्यापारी प्रकोष्ठ का काम देखते हैं, मुझे खुशी दो बात की हुई। देश भर में विवाद चल रहा है, अग्रवाल मार्ट या वालमार्ट, यही ना? तो अभी हमें अध्यक्ष जी ने दिया हमें एक तोहफा, मोमेंटो। मैंने खोल कर देखा, वो गणेश जी की प्रतिमा है, बहुत सुंदर है। और गणेश जी का एक नाम है विघ्नहर्ता है, और जो आज खुदरे व्यापार पर जो विघ्न लाया है यूपीए सरकार ने, वो यूपीए सरकार के साथ भाग जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि ये लड़ाई है आर पार की, लेकिन जैसे मेरे अजीज दोस्त विजय गोयल ने कहा कि आप लड़ने के लिए तैयार हो क्या, सड़क जाम करने के लिए तैयार हो क्या, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो क्या, ताकत दिखाने के लिए तैयार हो क्या, वो महत्वपूर्ण है। 1.5 करोड़ छोटे दुकानदार है, और समझो ये केवल किराना माल दुकानदारों की लड़ाई नहीं है, इसमें हर कोई छोटा दुकानदार है, हर कोई छोटा दुकानदार है, वो स्टेशनरी बेचने वाला हो, वो छोटा कपड़ा बेचने वाला दुकानदार हो, या वो छोटा जूता बेचने वाला हो, ये सबकी लड़ाई है। क्योंकि वहां सब कुछ मिलने वाला है और तबाह सब कुछ होने वाले हैं। तो ये लड़ाई किराना दुकानदारों की लड़ाई सीमित मत रखो, ये लड़ाई सबकी है, जो भी छोटा दुकानदार है उसकी लड़ाई है, किसान की भी लड़ाई है, लेकिन आज मुख्यतः हम छोटे दुकानदार की लड़ाई को देख रहे हैं कि क्या होगा, उस पर क्या परिणाम होगा। और इसलिए पहले मुझे ये बताओ, ऐसा क्या नया है? यानी वो बोले एफडीआई रिटेल आएगा तो बड़ी नई टेक्नोलॉजी आएगी। मैंने कहा अभी तो देश 120 करोड़ का है, पूरे यूरोप से ज्यादा हमारी आबादी है,
यहाँ तो किसी को किराना माल या छोटे दुकान कोई कमी नहीं है, जो भी चीज चाहिए वो मिल रही है, तो ऐसी क्या नया तकनीक है कि जो वहां से लाना चाहिए? हाँ, विमान हवाई जहाज बनाने का है, नहीं हम बना सकते, उसका एफडीआई आएगा, स्वागत है। हमें जहां लागत की जरूरत है वहां सड़क है, बिजली है, बंदरगाह है, बाकी निर्माण है, उसमें विदेशी निवेश आए कोई चिंता नहीं, उसके सिर्फ रूल क्या बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एफडीआई का विरोध करती है, लेकिन एफडीआई रिटेल का विरोध करती है, क्योंकि वो जनता के और देश के विरोध का कदम है और ये विदेशी ताकत के लिए किया गया है। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो सही है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे 4 साल बेचारे रहते हैं, लेकिन जब अमेरिका का चुनाव आता है, 2008 में आया था तब उन्होंने न्यूक्लियर डील किया था, अब 2012 में है तो वो ये एफडीआई रिटेल कर रहे हैं। तो उन्होंने एक सवाल सीधा पूछा कि आप 4 साल एकदम बेचारे रहते हो, एकदम एक बार सिंघम बन जाते हो 4 साल में, वो क्यों? और सिंघम भी देशवासियों के लिए नहीं बनते, अमेरिका और विदेश के लिए बनते हो, ऐसा क्यों करते हो? यह सवाल है। यह हमारी जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है? हमें क्या, ऐसा कौन ग्राहक कह रहा है कि हमें जो चीज चाहिए नहीं मिल रही है? वॉलमार्ट को तो 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, यहां तो नजदीक है, 30-40 कदम बढ़ाते ही दुकान मिलता है यहां भारत में। कम से कम दिल्ली में, नई दिल्ली में मैं रहता हूं तो यहां तो बाजार एकदम आम तरीके से नहीं, लेकिन मैं पुणे से आता हूं या मुंबई में है, वहां बिल्डिंग के नीचे उतरे की दुकानें हैं, तो किसी को दूर जाना पड़ता ही नहीं, अपने गली में सब कुछ मिलता है। तो जो आज मिल रहा है उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, उसमें विदेशी पूंजी लाने की और विदेशी दुकानदारों को बुलाने की क्या जरूरत है, यह पहला मुद्दा है। देखो, ये जरूरत हमारी नहीं है, उनकी है। ये जरूरत उनकी इसलिए है क्योंकि यूरोप में और अमेरिका में एक आर्थिक संकट 2008 के बाद आया है, और 2008 के बाद वहां की खरीद कम हुई है। वहां पहली दफा, पहले लोग वहां क्या करते थे, सारा क्रेडिट कार्ड, किराना दुकान में भी जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड ही देते हैं, ब्रेड भी लाएंगे तो क्रेडिट कार्ड देते हैं, वो तो क्रेडिट कार्ड से बसी हुई जिंदगी है उनकी। और केवल उतना ही नहीं, उनके साथ ये भी है कि वो जितना 100 रुपये आया है तो 130 रुपये खर्च करते थे, सेविंग विविंग कुछ नहीं करते, जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा खर्च करेंगे क्योंकि किराए किस्तों में देंगे, ये वहाँ की रीत है जीवन की। 2008 के बाद वहाँ एकदम लोगों के मन पूरे संकटग्रस्त हो गए और उनको लगा कि अब कुछ सही नहीं है, बहुत लोग डूब गए, लोगों को घर छोड़ना पड़ा, लाखों लोगों को किस्त चुका नहीं पाए, लोग बेरोजगार हुए, और इसलिए अब दुकान में जाने पर भी वो बहुत कम खर्चा करते हैं। तो पहले जो आदमी 1 लाख रुपए का माल लेता था वो अब 25,000 रुपए का लेने लगा, वहां की यह स्थिति हो गई है। हर दुकानदार का वहां जो ये दिन का कैश कलेक्शन होता है वो कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पहली दफा अमेरिका और यूरोप के लोग सेविंग करने में जुट गए हैं कि भाई कोई बहुत भारी संकट आएगा तो हमारे पास पैसा बचना चाहिए, और बहुत लोगों के जॉब्स गए तो वो पैसा खर्च नहीं कर सकते, इसलिए वहां के दुकानदारों की चिंता है कि अब उनका धंधा कम हो रहा है, इसलिए उनको जहां धंधा अच्छा चलेगा उस बाजार की जरूरत है, और वो भारत को बाजार के रूप में देखते हैं, और इसलिए उनकी जरूरत है यहां आने की, हमारी जरूरत नहीं है उनको बुलाने की। लेकिन ये काम वो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार तो हद हो गई, पहले एफडीआई रिटेल का निर्णय लिया था, उस समय ममता ने विरोध किया, फिर उसको रोक दिया, रोकते समय अनाउंसमेंट किया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में ये कहा, प्रणब मुखर्जी थे वित्त मंत्री लोकसभा में, और आनंद शर्मा व्यापार मंत्री है, वाणिज्य मंत्री है,
वो राज्यसभा में, उन्होंने दोनों ने आश्वासन दिया कि अब हम एफडीआई को स्थगित करते हैं और एफडीआई रिटेल चूंकि देश के बहुत सारे लोगों का, किसानों का और व्यापारियों का, सबका, दुकानदारों का प्रश्न है, इसलिए हम अगर लाएंगे तो पहले चर्चा करेंगे ऑल स्टेक होल्डर्स। तो हमारे लोगों ने पूछा किससे, सभी व्यापारी संस्थाएं उनसे बात करोगे कि नहीं, हाँ करेंगे, सभी राज्यों से बात करोगे कि नहीं, बोले हाँ राज्यों से करेंगे, सभी राजनीतिक दलों के साथ करोगे कि नहीं, उन्होंने कहा करेंगे, यानी संसद में उन्होंने आश्वासन दिया, वचन दिया कि यह निर्णय अगर फिर से करना है तो हम व्यापारी संस्थाओं से भी बोलेंगे, किसान के प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, राजनीतिक दलों से बात करेंगे और राज्यों से भी बात करेंगे। लेकिन न व्यापारियों से की, न किसानों से की, न राज्यों से की, न राजनीतिक दलों से की, अचानक निर्णय ला दिया कि अब अलाउ हो गया और तुरंत नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, अब हो गया। और इसलिए हमने कहा कि रोल बैक, डीजल के दाम बढ़ाए, एलपीजी के संख्या घटाई और एफडीआई रिटेल को अलाउ किया। तो हमने कहा रोल बैक ऑल द थ्री डिसीजंस, इफ यू आर नॉट रोलिंग बैक गो बैक, रोल बैक और गो बैक, ये अपना नारा है। हम ये चेतावनी देना चाहते क्योंकि अगर आप सुधरोगे नहीं तो जाओगे। और ये क्यों किया, ये इसलिए किया कि ये सरकार पूरी भ्रष्टाचार में डूब गई है, लोग उनको पत्थर मार रहे, आने नहीं दे रहे, लोग घूम नहीं सकते कांग्रेस के, लोगों के दरवाजे में जाकर कोई बोल नहीं सकता क्योंकि घर की गृहिणी है, वो कह रही है 1000 रुपए का एलपीजी तुम्हें मारूंगी, 1000। अभी देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो 300-400 रुपए में सिलेंडर मिलने वाले आपको, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च में आपको 1000 रुपए, 1100 रुपए या 1200 रुपए के दाम देने पड़ेंगे एक एक सिलेंडर को। तो लोग बड़ा गुस्सा है, महंगाई पहले ही बढ़ी है, महंगाई को लगाम लगाने में अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री विफल रहे, और इसलिए महंगाई का गुस्सा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसी में ये एफडीआई का रिटेल और डीजल का दाम बढ़ाना ये सब निर्णय किया और गैस का भी किया। और ये क्यों किया, क्योंकि लोग इसी की फिर चर्चा करने लगे। हम अभी आज देश में जाएंगे तो चर्चा हो रही, लेकिन इनका कोयला घोटाला हमने निकाला था और आज भी जिंदा है वो, रखेगा ये प्रधानमंत्री की कुर्सी ले जाएगा, ये मैं आज बताता हूं। अगर नवासी का चुनाव कांग्रेस बोफोर्स के कारण हार गई थी तो आने वाला चुनाव, क्योंकि 2013 में भी हो सकता है, तो जो भी चुनाव होगा वो कांग्रेस कोयले घोटाले में जाएगी। इन्होंने क्या छोड़ा है, स्पेक्ट्रम, माने स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2G क्या है, स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम क्या है, हवा की तरंगे है, आकाश। वो एंट्रिक्स और डेवास घोटाला हुआ, वो क्या है, एक अवकाश में उपग्रह भेजेंगे, उसके जो स्पेक्ट्रम होंगे ध्वनि लहरी, उसको बेचा था सस्ते में। तो ये आकाश को नहीं छोड़ा, जमीन के तो घोटाले डिफेंस लैंड से लेकर हर कोई एसीजेड से लेकर सब घोटाले जमीन पर कर दिए, और अब कोयले का माने पाताल में भी किया। तो आकाश भी छोड़ा नहीं, जमीन को भी छोड़ा नहीं, पाताल को भी छोड़ा नहीं, नया घोटाला सामने आ रहा है, समुंदर को भी छोड़ा नहीं। समुंदर क्या है, दो घोटाले आने वाले हैं, आपको केवल बताना चाहता हूं। एक थोरियम करके बालू जैसा, जहां ओडिशा और केरल में वो समुद्र के किनारे जो सैंड है, बालू है, लेकिन वो बालू में थोरियम छुपा हुआ है। ये थोरियम क्या है, इसका तकनीक अब विकास के अंतिम पड़ाव पर है। ये जैसे ही थोरियम क्रैक करने का टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, 300 साल देश को 24 घंटे बिजली, जितनी भी चाहिए बिजली देने की ताकत उस बालू में है, थोरियम में है। वो थोरियम हजारों लाखों करोड़ रुपयों का है, लेकिन इन्होंने बालू करके उसका निर्यात शुरू किया, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि आने वाले दिनों में इसी से बिजली बनेगी। तो बिजली बनाने के लिए उन्होंने
बालू करके सैंड करके निर्यात करने का परमिशन लिया और सैंड करके निर्यात किया लाखों करोड़ का, बहुत सारा, एक तिहाई हमारा ऑलरेडी जा चुका है। तो ये एक नया घोटाला सामने आ रहा है। और दूसरा घोटाला है समुन्द्र में मिनरल्स की खदानें हो सकती है, समुन्द्र में जो अंदर नीचे जमीन है उस जमीन में खुदाई करने के बाद नए नए खनिज मिलेंगे, तो उसके ब्लॉक्स का आवंटन में भी उन्होंने वही धांधलियां की है। तो न आकाश छोड़ा, न जमीन छोड़ी, न पाताल छोड़ा, न समुन्द्र छोड़ा, जल स्थल जहां भी मिले वहां खाने का काम इन्होंने किया। तो लूट ऐसी किसी ने नहीं की, और अब तो उसके ऊपर दामाद घोटाला भी आ गया। ये कम था इसलिए अब ये भी साफ हो गया कि दामाद घोटाला। तो ये लूट के कारण और महंगाई के कारण जनता में बहुत आक्रोश था, उस विषय को बिगाड़ने के लिए, उससे ध्यान बांटने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस ने ये लाया है। ये मैं जो मुद्दे बता रहा हूं वो थोड़ा थोड़ा लिखो, क्योंकि ये लोगों को बताना है कि ये अभी क्यों लाया, एफडीआई रिटेल बंद किया था, चर्चा का आश्वासन दिया था, फिर क्यों लाया, डीजल का एकदम 5 रुपए क्यों बढ़ाया, एलपीजी की संख्या कम क्यों की। इसमें राजनीति है, राजनीति यह है कि लोग, और एफडीआई इंश्योरेंस लाया, एफडीआई पेंशन में लाया, गाड़ी कमाई मजदूरों की, आपके पास जो 20 जहां मजदूर है उनका जो प्रोविडेंट फंड जाता है वो पेंशन फंड में जाता है, वो पेंशन फंड में जाने वाला वो विदेशियों के हाथ सौंपेंगे, वो शेयर मार्केट में लगाएंगे, मजदूर की कमाई खाक हो जाएगी, जब रिटायर होगा तो कफलक होगा। तो इसलिए ये ऐसे सारे निर्णय लिए कि उसी पर झगड़ा शुरू हो तो लोगों का ध्यान हटेगा महंगाई से और लोगों का ध्यान हटेगा इनकी लूट से, भ्रष्टाचार से। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं, हम आपके जन विरोधी इन फैसलों का तो विरोध करेंगे ही न, लेकिन लूट से और महंगाई से ध्यान नहीं हटेगा, क्योंकि लोग रोज भुगत रहे हैं। और इसलिए आपको आप जाना ही बाकी है, जब भी चुनाव करोगे गद्दी छोड़ो देश बचाओ, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ये बताना पड़ेगा, यही सबकी थीम है।